जी हाँ दोस्तों, अब आप बिना पेमेंट किए भी फ्लिपकार्ट से सामान खरीद सकते हैं, आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट एक ऐसी सुविधा लेकर के है जिसको हम लोग कहते हैं कार्डलेस क्रेडिट। जी हाँ दोस्तों, कार्डलेस क्रेडिट के तहत अब आप बिना पेमेंट किए भी शॉपिंग कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसकी पूरी जानकारी। मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं टेक्निकली गुरु जी चैनल। जी हाँ दोस्तों, तो फ्लिपकार्ट एक ऐसी सुविधा लेकर के है जिसको बोलते हैं हम लोग कार्डलेस क्रेडिट। इसके तहत आपको करीब 60,000 रुपए तक का इंस्टेंट क्रेडिट मिल सकता है और इससे आप जो भी सामान खरीदना चाहते हैं आप वो खरीद सकते हैं फ्लिपकार्ट से। अब जो भी शॉपिंग होगी वो आप बाद में उसका पेमेंट कर सकते हैं, बट आपको इमीडिएटली उस समय आपको एक लोन जैसा मिल जाएगा। शुरू में ये डिपेंड करता है आपका फ्लिपकार्ट साथ कैसा रिलेशन है। हो सकता है वो 60,000 ना दें, वो थोड़ा कम दें, 40,000 या 20,000 तक का दें, लेकिन आप अगर 2,000 तक का भी देंगे तो आपको कोई ओटीपी भी नहीं आता उस केस में, जैसे कि उन्होंने भी बता के रखा है। तो बेसिकली करना क्या होता है, इनके हिसाब से आपको केवल 60 सेकंड लगेंगे, क्योंकि एक छोटा सा प्रोसीजर है, उसके थ्रू आप जा करके आपको इंस्टेंट क्रेडिट मिल जाएगा और आप उससे जो भी शॉपिंग करना है आप करिए। जब आप चेकआउट करेंगे उस समय आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, पे टू नेक्स्ट मंथ, या आपके पास कुछ ईएमआई रहती है, जैसे आपको 3 मंथ में देना है, फोर मंथ में देना है, ऐसे वो 3 to 12 मंथ तक का उनका ड्यूरेशन रहता है। आप उसमें जो भी सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको आप अपनी सुविधा के अनुसार आप ईएमआई दे सकते हैं, ठीक है। और बाद में आप पेमेंट करने के बाद जब आप चेकआउट कर लेंगे, जब आप सामान परचेज कर लेंगे, उस समय आप जो भी आपका ईएमआई है वो अपने डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इमीडिएट पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप बाद में अपनी सुविधा के अनुसार पेमेंट करिए। तो ये जो सुविधा दी है ये बेसिकली ज़्यादातर, जैसे इन लोगों ने बताया कि ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता है बट वो बाद में पेमेंट करने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इन सब उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फ्लिपकार्ट ने सुविधा अभी निकाल ली है, ठीक है। तो इसका सुविधा का फायदा उठाइए और आपका जो भी फीडबैक है बताइएगा, कैसी सुविधा अगर आपने यूज़ किया और कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये जानकारी जरूर बताइएगा। इस तरह की और वीडियो लेकर के मैं आऊँगा, और आपको भी क्वेश्चन हो कमेंट हो, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों जरूर। सब्सक्रिप्शन और लाइक के बेसिस पे ही हम लोग का मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।